वेलकम टू विपुलास किचन। फ्रेंड्स, आज हम दाल मखनी बनाने वाले हैं, तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। हाफ कटोरी मैंने उड़द लिया है और 2 टेबलस्पून राजमा लेके अच्छे से वॉश कर लेंगे और 6 से 8 घंटा या ओवरनाइट सोक कर लेंगे। अब 1/2 टीस्पून हल्दी और सॉल्ट ऐड करके 1 व्हिसल तक होने देंगे। 1 व्हिसल हो जाए बाद में स्लो फ्लेम करके 15 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। चेक कर लेंगे, हो गया है फ्रेंड्स। उसमें 1 टीस्पून जितनी घर की फ्रेश मलाई ऐड कर लेंगे और 100 ml जितना पानी ऐड करके स्लो फ्लेम पे होने देंगे। यहाँ एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून तेल लिया है। उसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और 1 तमालपत्र लेंगे। जीरा खिल जाए तब 2 मीडियम साइज का प्याज सौते करेंगे। एक हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 लहसुन की कलियां लेके पेस्ट करके रेडी रखा है वो ऐड करेंगे। प्याज पिंक होने तक भुनेंगे। प्याज पिंक हो गई है, 3 बड़े टमाटर चॉप करके रेडी रखे हैं, वो ऐड करेंगे और कुक होने तक भुनेंगे। टमाटर कुक हो गया है, अभी मसालों की बारी। एक टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पंजाबी गरम मसाला ऐड करके मिक्स कर लेंगे। 2 सेकंड के लिए भुनेंगे। अभी उसमें उड़द लेंगे, मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट टू टेस्ट, कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी ऐड करेंगे और 5 मिनट ढककर स्लो फ्लेम पर होने देंगे। 5 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, हो गया है हमारा। एक बाउल में ले लेंगे। अभी एक तड़का लगाएंगे, उसके लिए मैंने पैन में 1 टेबलस्पून तेल लिया है। 5 से 7 कलियां लहसुन की चॉप करके ऐड करेंगे और स्लो फ्लेम पे लाइट ब्राउन होने देंगे। चम्मच से हिलाएंगे ताकि जले नहीं। हाफ टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा खिल जाए तब उसमें 1/2 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और तुरंत गैस बंद करके तुरंत ये तड़का दाल पर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारी दाल मखनी। उसे माँ की दाल या काली दाल भी बोलते हैं। अगर आपके पास साबुत उड़द नहीं है तो आप उड़द की दाल भी ले सकते हो। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।